मुंगेर परिसदन में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की पत्रकारों से मुलाकात। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। केंद्र की भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मुंगेर परिसदन में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को पत्रकारों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी के 8 सालों के कार्यकाल व विकास कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ देश की सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था के अलावा रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच अपने नागरिक सहित दूसरे देश की नागरिकों की जान बचाने के अलावा आत्मनिर्भर भारत निर्माण की ओर देश प्रगति कर रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार के 8 साल में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा सुशासन व समाज सेवा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। वहीं हमारा देश पिछले 2 साल से जिस तरह कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत में सबसे अधिक लोगों को टीका लगवाकर देश को बचाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान सभी कल कारखाने बंद हो जाने के बाद पार्टी द्वारा हरेक लोगों तक घर बैठे दवाइयां व खाद्य सामग्री दिलवाने का काम किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योग को लेकर बड़ी उद्घोषणा करते हुए कहा कि 8 जून को पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्वेस्ट बिहार का आयोजन होगा, जिसके तहत न्यू टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी की लॉन्चिंग की जाएगी। इस मौके पर देश के कई बड़े कपड़ा और उद्योग व्यवसायी भाग लेंगे। मुंगेर के बंदूक फैक्ट्री के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। मैं बोलता कम हूँ, करता ज्यादा हूँ। मुंगेर का बंदूक कारखाना मेरी नजर में है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जैन, प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमसी, प्रदेश मंत्री बेबी चंकी, जीप अध्यक्ष साधना देवी, अरुण यादव, कृष्णा मंडल, अजीत कुमार छोटू, अनुराग कुमार व शैलेंद्र चौधरी समेत कई अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, 100 करोड़ लीजिएगा, 10 करोड़ दे देंगे। जो ब्याज होगा, अगर आप लोग भी लगाना चाहिए तो बता देंगे, ब्याज बिहार सरकार दे। इम्प्लाई आप रखिएगा, 5,000 हम देंगे, 10,000 आप दे दीजिए, 15,000 कर देंगे। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पोर्ट तक का किराया हम देंगे। जमीन खरीदिएगा, अब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया पैसा, अगर इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदिएगा तो रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगेगा? 0। ये हमने करवाया। अब हम परचेज पॉलिसी पे भी लगे। बिहार के अंदर अगर कोई आकर, सिर्फ बाजार नहीं है बिहार, कोई गंजी बेच रहा है, कोई बनियान बेच रहा है, कोई जीन्स बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई चश्मा बेच रहा है, हम कह रहे सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार। और एक बार तो आइए बिहार, नया बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये वचन है बिहार की जनता को उद्योग मंत्री के तौर पर कि श्री बाबू ने जो अभियान शुरू किया था, श्री बाबू के बाद उद्योग लगा नहीं, उसको अभियान को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिस ऊंचाई पे श्री बाबू ले गए। वो जमशेदपुर, वो धनबाद, वो झरिया, वो पूरा इलाका झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं। लोग कहते थे भालू बच गया, और आलू बच गया। हम आलू के पे भी काम कर रहे हैं, हम बालू से भी पानी निकाल रहे हैं। हम लोग कोई चीज छोड़ने वाले नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। ये बिहार में यही होता था। हम कहते हैं किसी ने नहीं किया, हम करके दिखाएं। श्री बाबू के बाद उनके सपनों का बिहार हम बना के दिखाएं। उद्योग में लोग कहते हैं कितना रोजगार मिला, तो आप देखिए उद्योग में रोजगार मिला कितना ज्यादा। अगर उद्यमी योजना लीजिए, 1 को 10 लाख दिया, 5 लाख लोन, 5 लाख सब्सिडी, 10 लाख रुपए 0 इंटरेस्ट पर 84 किस्त में वापस लेंगे,
कितना बड़ा फैसिलिटी है, एक आदमी जो लेगा वो 10 लोगों को रोजगार देगा, 12 लोगों को देगा, 15 को देगा, अगर 16,000 5,000 पहले का 2,10,000 10 ही मान ले तो 2,10,000 हो गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में बड़ी तादाद में रोजगार लोगों को मिल गए। उसी तरह आप देखिए मुद्रा योजना में, उसमें हमने किया, अभी ट्रांसपोर्ट में रोजगार मिला है, हर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, सबसे ज्यादा किसानों की आमदनी को दुगुना कर दिया, एक इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में शुरू हुआ, पता कीजिए मक्के का रेट, इथेनॉल बनाने से पहले इथेनॉल के बाद असली फायदा किसानों को हुआ है, जो 900 1100 1100 में पैकार ले जाता था पंजाब का, हमारे यहाँ भागलपुर नौगछिया में जब जाता था कहता था पैसा लेके भाग गया, कई को हम पकड़ पकड़ के लाते थे, पैसा दिलवाते थे, आज उन लोगों को पूरा पैसा मिल रहा है, 2200 2300 2400 में मक्का बिक रहा है। तो किसानों की आमदनी किसने बढ़ाई? इथेनॉल में बनाई। जब हम विधानसभा में बोले थे जब से मक्का डालिएगा उधर से डॉलर निकलेगा तो हमारा मजाक उड़ा रहे, सोचा हम राहुल गांधी इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकले, मैंने सही कहा मक्का डालिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्या मिलेगा एक्सपोर्ट में बदले में, क्या मिलेगा डॉलर, तो झूठ बोले थे क्या, कितना मजाक उड़ा रहे थे, सोचा ये भी राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट में रहा ये भी वैसे बोल रहा है, लेकिन आज हमारे किसान जब मक्का देंगे इथेनॉल को तो एक्सपोर्ट होगा, उसमें भी काम हो रहा, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। 8 तारीख को आज ही अनाउंस कर रहा हूं मुंगेर से, देखता हूं मुंगेर के डेडलाइन से आप लोग कितना खबर चला, मुंगेर में अनाउंस कर रहा हूं 8 तारीख को पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन्वेस्ट बिहार होगा, न्यू टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च की जाए, उसमें पूरे देश से कपड़े और लेदर के व्यापारी आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, जो कभी बिहार नहीं आया आए वो आएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कल ही हमें सहमति दी, मैंने पटना में भी नहीं बताया, सोचा मुंगेर में क्या बताऊं, यही बता दिया। और अपने बिहार के अंदर जो भागलपुर के लोग, मुंगेर के लोग जो चले गए थे बनारस, सिल्क के लोग, उनको हम कह रहे हैं अब तो लौट के आ जाओ बिहार, क्योंकि अब तो सुशासन है, नीतीश कुमार जी जैसा एक बेहतरीन नेता मुख्यमंत्री है, हमारे जैसा एक अदना आदमी, छोटा आदमी, छोटे से विभाग उद्योग को देख रहा, हम कह रहे हैं कि हम जितनी क्षमता है, हमें सौभाग्य है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में काम कर रहे, भारत रत्न की कैबिनेट में रहे, हम नीतीश जी की कैबिनेट में हैं, जो अनुभव है, मैं देश का कपड़ा मंत्री भी रहा हूं, उसका लाभ किसको मिलेगा, मेरे परिवार के लोगों को, परिवार मतलब 14 करोड़ बिहारी शाहनवाज हुसैन का परिवार, जो नौजवान है उनकी उम्मीद तो खड़ा उठू, इसके लिए काम कर रहा हूं, यही प्रधानमंत्री का संदेश, ये जो 8 साल की उपलब्धि में प्रधानमंत्री का ये भी आदेश है, जाओ शाहनवाज बिहार और उद्योग, जब उन्होंने जिम्मा दिया।